ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी, नमः। मित्रों, हर किसी को सोते समय अलग अलग तरीके के सपने आते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो या फिर डराने वाले सपने। लेकिन मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति अपने सपनों में कुछ न कुछ देखता है ना, तो उसके पीछे का संकेत जरूर होता है, जो कि भविष्य से संबंधित भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, सपने में अगर ये 10 चीजें आपको दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में पधारने वाली है, माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। मित्रों, सोने के बाद हम जिन सपनों को देखते हैं उनका सबका एक अलग अर्थ होता है और वास्तविकता से ये सभी संबंधित भी होते हैं। आपको पता है, सपनों के भीतर बहुत सारे रहस्य भी छुपे होते हैं और इस तरह के कई सवाल अक्सर हम सभी के मन में गूंजते रहते हैं। विज्ञान के पास भी इन सवालों के अलग अलग जवाब है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सपनों के कई अर्थ होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको देखना शुभ माना जाता है, तो कुछ सपनों को देखना अशुभ माना जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि कुछ ऐसे सपने जिनको अगर आप देख लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ आप कुछ ही समय में अमीर बनने वाले हैं, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तो एक एक करते हुए उन सभी संकेतों के बारे में अपन समझेंगे जो कि अपने को स्वप्न में दिखाई देते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इस तरह के स्वप्न आपको भी दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, माता लक्ष्मी जी आपके घर में तो पधार जाएगी, लेकिन उनको हमेशा के लिए आपके घर में ठहराव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आपको बता दें मित्रों कि अगर कोई भी व्यक्ति सपने में भारी बारिश को देखता है, यानी कि हेवी रेन को देखता है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि जीवन में धन का आगमन होने जा रहा है। हालांकि अगर सपने में हल्की बूंदाबांदी के विषय में देखा जाता है ना, तो उससे फल नहीं मिलता। अगर आप भारी बारिश देखते हैं, हेवी रेन, भारी वर्षा देखते हैं ना, तो बहुत ही जल्द आपके घर में धन का आगमन होने वाला है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारने वाली है। चलिए जान लेते हैं स्वप्न शास्त्र के कुछ अगले महत्वों के बारे में, अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी इनको जो भी नजर आता है ना, ये गौ माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा पेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR पर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगले संकेत के बारे में। सपने में लाल साड़ी का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, महालक्ष्मी को प्रायः लाल साड़ी में ही देखा जाता है। जितनी भी तस्वीर या प्रतिमाएं आपने देखी होगी ना, उन सभी के अंदर भी माता लक्ष्मी जी लाल साड़ी पहने हुए ही नजर आती है। पूजा पाठ के दौरान भी माता लक्ष्मी जी को लाल साड़ी या लाल चुनरी ही ओढ़ाई जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति सपने में लाल साड़ी पहने हुए कोई भी महिला को देखता है, या मित्रों कोई महिला स्वयं लाल साड़ी पहने हुए अपने आप को ही देखती है, तो यह जीवन में आपके धन आगमन का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। आपके घर में माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे बड़ा प्रमाण या प्राय यहाँ पर बन सकता है। अगर कोई महिला है और वो स्वयं को ही अपनी लाल साड़ी पहने हुए देखती है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को लाल साड़ी पहने हुए देखता है, तो अगला संकेत आता है मंदिर का। मित्रों, भगवान की पूजा का स्थान है मंदिर, और मंदिर को देखते ही पहला ख्याल आता है भगवान की पूजा करने का। ऐसे में जाहिर तौर पर मंदिर से जुड़े सपने देखना या सपने में मंदिर को देखना भी शुभ माना जाता है, और इसको धन संपत्ति
गणपति और माता लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने से जुड़कर भी देखा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वप्न में मंदिर को देखता है या मंदिर में पूजा करते हुए किसी को देखता है ना, तो यह भी भगवान माता लक्ष्मी और दोस्तों श्री हरि विष्णु जी के प्रसन्न होने का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अगला संकेत होता है उल्लू या सांप का दिखाई देना। दोस्तों अगर आपको सपने में सांप या उल्लू दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ सपना माना जाता है और इसका मतलब होता है जल्द ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है और घर में धन और सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी सपने में सांप या उल्लू को देखे ना, तो समझ लीजिएगा कि धन की जो भंडार है ना, वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं। अगला संकेत होता है माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर देखना। मित्रों माता लक्ष्मी को कमल के फूल पर देखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आने वाले समय में आपके घर में धन की वर्षा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा सपने में शंख की आवाज का सुनना भी काफी अच्छा माना जाता है। इसका मतलब भी धन के आगमन से ही होता है। अगर सपने में आप माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर बैठे हुए देखते हैं या शंख की ध्वनि को अगर आप सपने में सुनते हैं ना, तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत होता है कि आपकी जो गरीबी के दिन है ना, वो बहुत ही जल्द अब समाप्त होने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरु जी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरु जी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या लड़का लड़की का बार बार संबंध होकर टूट जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है, और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों स्वप्न में माता लक्ष्मी जी के आगमन के संकेत के बारे में। अगर आपको अपने सपने में काला नाग पकड़े हुए कोई भी बच्चा देखा है या फिर चूहा या फिर मधुमक्खी का छत्ता देखा है, तो यह भी आपको मिलने वाले पैसे की तरफ इशारा करते हैं। सपने में किसी देवी देवता के दर्शन भी यह बताने के लिए काफी है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। पैसे के अलावा आपको भरपूर सफलता भी मिलने वाली है। अगला संकेत होता है सपने में जलता हुआ दीपक देखना। मित्रों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप अपने सपने में अपने खुद के कान में बाली यानी कि इयररिंग पहने हुए देखते हैं, तो यह भी धन प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। उसके अलावा सपने में जलता हुआ दीपक या फिर खुद को अंगूठी पहने हुए देखते हैं, तो भी ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का संकेत हो सकता है। तो वहीं अगर आप कहीं पर किसानों को खेतों में काम करता हुआ देखते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी भी अज्ञात साधन से आपको पैसा मिलने वाला है। साथ ही सपने में अगर आप सफेद घोड़ा या सफेद हाथी या गाय को अगर देखते हैं ना, तो भी जान लीजिए कि आपकी किस्मत जल्द ही चमकने वाली है, साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान होगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने सपने में पीला फल, लाल फूल आदि देखते हैं ना, तो ये माना जाता है कि उसको स्वर्ण लाभ होगा, यानी कि आपको बहुत ही जल्द गोल्ड की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई भी
व्यक्ति सपने में सफेद वस्त्र धारण किए हुए माता लक्ष्मी जी को देखता है तो यह संकेत माना जाता है कि आपके ऊपर साक्षात माता सरस्वती जी प्रसन्न होने वाली है और बहुत ही जल्द आपको फायदा मिलने वाला है। और उसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण संकेत होता है, स्वप्न में खुद को पेड़ पर चढ़कर देखना। अगर कोई भी व्यक्ति सपने में खुद को वृक्षों पर चढ़कर सपने में जो जाग जाता है उसको संपत्ति की प्राप्ति होती है, यानी कि स्वयं को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखते हैं और उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। इसके अलावा सपने में दूध वाले या लाल फूल वाले किसी भी वृक्ष को ऊपर चढ़कर फिर उसकी जाग जाती है, नींद खुल जाती है ना, तो ऐसा माना जाता है कि उसको धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। चलिए इसी के साथ अगला और अंतिम संकेत की अगर चर्चा करें कि अगर आप सपने में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए अपने आप को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और वहीं अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत ही जल्द आपका जो प्रॉफिट है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ बढ़ने वाला है। तो इस तरह से मित्रों स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करी। अगर आपको कोई भी संकेत मिलता है स्वप्न में, कोई भी सपना अगर आपको दिखाई देता है जिसका आपको अर्थ नहीं पता, उसका आप मतलब जानना चाहते हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारी टीम उसका रिप्लाई करके आपको उस सपने के संकेत के बारे में बताएगी। तो चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों।